दोस्तों, आपने अंकुरित अनाज या स्प्राउट तो बहुत खाया होगा, लेकिन आज मैं आपको माइक्रोग्रीन के बारे में बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मौजूद पोषक तत्व अपने स्प्राउट और मैच्योर प्लांट से कई गुना ज़्यादा होता है। माइक्रोग्रीन क्या होता है, ये स्प्राउट से किस प्रकार अलग होता है, इसे कैसे खा सकते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसे हम घर पर ही कैसे तैयार कर सकते हैं, ये सब सवाल हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज के बदलते समय में हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम का मजबूत होना बहुत जरूरी है। कोरोना ने हमें सब बता दिया है, अभी एक वायरस आया था और आने वाले समय में और भी दूसरे वायरस पैदा हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा वही बच पाएगा। इसलिए हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट नई नई खोज करते हैं और हमें नई नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराते हैं कि हमें उनको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। हमारी डाइट पूरी तरह से पोषक तत्वों से भरपूर हो और पूरी तरह से बैलेंस हो, इसके लिए हमारे साइंटिस्ट हमें माइक्रोग्रीन्स को खाने की लगातार सलाह दे रहे हैं। माइक्रोग्रीन क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। जब भी कोई दाल या बीज अंकुरित होता है तो शुरुआत के दो पत्ते आने पर उस पौधे को हम माइक्रोग्रीन कहते हैं। इसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, डाइट्री फाइबर और फाइटोन्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। ये फ्लेवरफुल और टेस्टी होते हैं। माइक्रोग्रीन अपने मैच्योर प्लांट की अपेक्षा 40 गुना ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। रेड कैबेज माइक्रोग्रीन में अपने मैच्योर प्लांट की अपेक्षा 16 गुना ज़्यादा विटामिन के होता है, 6 गुना ज़्यादा विटामिन सी और 20 गुना ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इसे हमें डेली सिर्फ थोड़ा ही खाना है। एक छोटे से प्लेट में जितना आ जाए बस उतना ही खाना है। ये हमारे दिन भर की ज़रूरत को पूरा कर देता है। आप इसे सलाद की तरह डेली खा सकते हैं। अलग अलग बीज और अलग अलग दालों के माइक्रोग्रीन का टेस्ट अलग होता है। हम इन्हें आसानी से अपने घर में ही उगा सकते हैं। इन्हें आप किसी भी सीजन में उगा सकते हैं और थोड़ी सी रोशनी में ये घर में ही आसानी से उग जाती हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि इसे घर पर ही कैसे उगाते हैं। आप कोई भी ट्रे जैसा बॉक्स ले सकते हैं जिसमें नीचे पानी निकलने के लिए छेद होना चाहिए। बॉक्स में कोकोपीट डालकर ऊपर माइक्रोग्रीन के बीज डाल देना है। बीज अगर छोटे साइज के हैं तो मिट्टी में ज़्यादा नीचे तक नहीं दबाना है। बीज डालने के बाद ऊपर से थोड़ा पानी डाल देना है। फिर इस बॉक्स को ढक्कन से ढककर या गीले टिश्यू पेपर से ढककर अंधेरी और थोड़ी गर्म जगह पर रख देना है। 3 दिन में इसमें अंकुर निकलने लगे तो ढक्कन हटा दीजिए। अभी इसे कम रोशनी वाली जगह पर ही रखना है। 5-6 दिन में जब इनकी लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर हो जाए तब इसे आप छायादार जगह पर रखिए। लेकिन कोशिश करिए कि इसे 1 या 2 घंटे हल्की धूप मिल जाए। अगर धूप नहीं लगती तब भी ये आराम से ग्रो हो जाते हैं। 1 से 2 हफ्ते में ये तैयार हो जाते हैं। अब आप इसे खा सकते हैं। तो उम्मीद है आप भी इसे अपने घर में तैयार करेंगे और इसके स्वास्थ्य लाभ का आनंद लेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।